इनका इम्प्रूवमेंट मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर बता दे रहा हूँ। इनको दवाई स्टार्ट करने से तकरीबन थोड़े दिन, 4th अप्रैल तक एक तरीका का इम्प्रूवमेंट था। अप्रॉक्सीमेटली 3rd-4th अप्रैल के बाद इनका इम्प्रूवमेंट एक तरीका का है। ओरिजिनल जो इम्प्रूवमेंट था 4th अप्रैल से पहले या 3rd अप्रैल से पहले, उनका जो इम्प्रूवमेंट था वो ओरिजिनल इम्प्रूवमेंट था, वो आपको फर्स्ट उसके बारे में बताता हूँ। 3rd-4th अप्रैल के करीब घर में एक बहस हुई थी, वो बहस होने के वजह से उनको थोड़ा इम्प्रूवमेंट में फ़र्क आया था। इसके बाद वो बहस के बाद हम बिल्कुल शांति की वातावरण हम मेंटेन कर रहे हैं, तो इसके वजह से उनको धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन फर्स्ट ओरिजिनल जो इम्प्रूवमेंट थे वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या था, दवाई स्टार्ट करने से पहले उनको दम चढ़ रहा था, दवाई स्टार्ट करने से पहले इनको बहुत ज़्यादा दम चढ़ रहा था। इधर से उधर 2 कदम या 4 कदम चले तो बहुत ज़्यादा दम चढ़ के वो चल नहीं पा रहा था, और दवाई स्टार्ट करने के 1 हफ्ते में ही दम चढ़ना बहुत कम हो गई थी, और इनको तकरीबन 99% आज तक दम चढ़ना नहीं है, इनको आज भी दम चढ़ने की प्रॉब्लम नहीं है। 99% दम चढ़ना क्लियर हो गया, चलने में, फिरने में, वॉकिंग में, किसी भी पोजीशन चेंजेस में वो दम चढ़ना कम हो गया, और सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और पैरों में जो सूजन, ये दवाई स्टार्ट करने से पहले पैरों में सूजन काफ़ी ज़्यादा थी, दवाई स्टार्ट करने के 1 हफ्ते में ही पैरों में सूजन बहुत कम हो गई, और ये बहस होने के बाद इनको पैरों में सूजन थोड़ा हो रहा है, वो भी ज़्यादा बैठ रहे तो पैरों में सूजन हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। और पहले बहस होने के पहले इनका बैलेंस वॉकिंग में और स्टैंडिंग में, चलने फिरने में बैलेंस और फिज़िकल ताकत, नॉर्मली फिज़िकली उनकी जो ताकत है बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया था, और इनको चलने फिरने में अच्छा ताकत महसूस करा, और बैलेंस अच्छा इम्प्रूव हुआ था, और कमज़ोरी तकरीब बहुत अच्छे से निकल गई थी, और फिज़िकली वो बदन में ताकत महसूस कर रहा था। ये बहस होने के बाद इनको एकदम थोड़े दिन बहुत कमज़ोरी महसूस हुआ, फिज़िकली वो कमज़ोरी महसूस हुआ, बैक चलने में, फिरने में, वॉकिंग और स्टैंडिंग में बहुत बैलेंस निकल गई थी। वो था एक बहुत बड़ा चेंज। लेकिन हम शांति का वातावरण हम घर में रखने के वजह से धीरे धीरे से उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, धीरे धीरे से बैलेंस में और इनकी कमज़ोरी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। कमज़ोरी का मतलब उन्हों एकदम डल हो जाता है, एकदम डिम हो जाता है, और तो उसमें भी यानी वो बहस होने के बाद एकदम डल और डिम हो जा रहा था, उसमें भी इनको धीरे धीरे से शांति का वातावरण मेंटेन करने से उनको धीरे धीरे से उसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और यूरिन का क्वांटिटी और यूरिन का नंबर ऑफ़ टाइम्स और बाथरूम जाना, ये दवाई स्टार्ट करने से पहले भी कभी इतना प्रॉब्लम नहीं थी, आपको फैक्ट बता दे रहा हूँ। यूरिन का क्वांटिटी और नंबर ऑफ़ टाइम्स और बाथरूम जाना, ये कभी प्रॉब्लम नहीं थी इनको, और दवाई स्टार्ट करने के बाद भी उनको इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, और पहले प्रॉब्लम थी नहीं तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क भी महसूस नहीं हो रहा है, जैसा कि वैसा नॉर्मल ही है, बाथरूम जाना नॉर्मल ही जा रहा है, और यूरिन का क्वांटिटी और नंबर ऑफ़ टाइम्स अच्छा ही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है बोले तो, इनका एज की वजह से, उम्र की वजह से ये दवाओं के लिए आदत बनना थोड़ा इनके लिए टाइम लगा था। समझ लीजिए
अगर एक बॉटल एक दिन में ख़त्म करना है, एक बॉटल का दवा एक दिन में लेना है, इनका फिज़िकल एबिलिटी नॉर्मली उनका उम्र के वजह से इनका फिज़िकल एबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं है, तो एक बॉटल में सिर्फ 80% या 90% ही वो एक दिन में ले पा रहा है और बाकी का 10-20% वो नेक्स्ट डे में ही ले पा रहा है, वैसा है। तो इनका दो दवाई लेने में डोसेज जो रहता है ना, एक दिन में एक बॉटल लेना है तो इसमें सिर्फ 80% या 90% दवाई ले रहा है और वो भी धीरे धीरे से इनको इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन और लेने में धीरे धीरे से इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्योंकि दवाइयों के लिए और टाइमिंग के लिए उनकी आदत पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। उनके उम्र के वजह से, फिज़िकल कमज़ोरी के वजह से आदत बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वो कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे से वो पूरा यानी अच्छे से दवाई ले पाएगा। ये जो थोड़ा 10-20% कम दवाई लेना यानी दवाइयों के लिए आदत बनाना जो है ना, ये शायद इसके वजह से इनको एक महीने ज़्यादा दवाई लेना पड़ेगा, शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ। पहले मंथ इनको सिर्फ दवाई लेने की आदत बनाने में टाइम लग रही है, एक महीना सिर्फ इनको अच्छे से डोसेज लेने में टाइम लग रही है क्योंकि इनके फिज़िकल एबिलिटी उम्र के वजह से कम है, शायद इस वजह से उन्हों एक महीने ज़्यादा दवाई लेना पड़ेगा। वो आपको एक फैक्ट बता दे रहा हूँ। कुल मिला के ये पॉइंट से थोड़ा लंबा चौड़ा ये एक्सप्लेनेशन जो है खींचने के लिए माफ़ी चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन पॉइंट्स पूरा खुल मिला के बता दिया, माफ़ी चाह रहा हूँ, थोड़ा लंबा मैं एक्सप्लेनेशन दिया। थैंक यू।